हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम किचन। आज हम तैयार करेंगे स्पाइसी जूसी मैक्रोनी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा मैक्रोनी बॉईल करके, साथ में लिया है शिमला मिर्च, बटर, थोड़ा सा मैदा, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, साथ में दूध, और ये लिया है मैंने साथ में पिज्जा सॉस। चलिए इसे बनाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है बटर। सबसे पहले हम सॉस तैयार करते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी और इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से गोल्डन फ्राई करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब ये मैदा बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और दूध को पकाएंगे थोड़ी देर तक और इसे गाढ़ा होने देंगे। तो इस तरह से मैं मैक्रोनी तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो पास्ता भी बना सकते हैं। इस तरह से ये जूसी स्पाइसी पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से मैंने व्हाइट सॉस तैयार कर रही हूँ और मैं इसमें डाल रही थोड़ा सा काली मिर्च और साथ ही डालूंगी इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक और अब इसे हम गाढ़ा होने देते हैं। तो इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए हो गया हमारा व्हाइट सॉस रेडी। तो अब हम इसमें डालते हैं पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस मैंने जो रेडी करके रखा हुआ है घर में ही रखा था, ये इसमें मैं 3 टेबलस्पून मिक्स कर रही हूँ। मैंने अलग से इसमें माइक्रोवेव में कोई प्याज यूज नहीं किया है क्योंकि पिज्जा सॉस में ऑलरेडी प्याज डाला हुआ है, तो मैं इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ही डाल रही हूँ। और शिमला मिर्च भी मैंने फ्राई नहीं किया है। इस तरह से इसे हम सॉस में ही थोड़ी देर तक पकाएंगे और ये जब 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और ये जब थोड़ा सा पक जाए तो हम इसमें जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखा था वो मिक्स कर दूंगी इसमें। तो आप इस तरह से एक बार जरूर बना के देखिए पास्ता या मैक्रोनी, बहुत ही यम्मी बनती है। ये बहुत ही जूसी और यम्मी बनी है। ये देखिए, तो बस ये हो गई रेडी। हम बस 2 मिनट पकाएंगे और ये हो गई हमारी स्पाइसी जूसी टेस्टी मैक्रोनी तैयार। ये देखिए, है ना टेस्टी? तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। बाय बाय।